हेलो बच्चों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जयपुर पे आज के इस वीडियोज़ में हम लोग करने वाले हैं क्लास थ्री का गणित जिसका हम लोग करेंगे पेज नंबर दस ये जो है आपका लेसन दो का है ठीक है जिसका चैप्टर का नाम है संख्याएं हम लोग उसी का हम लोग करने वाले हैं पार्ट टू करने वाले हैं पार्ट वन हमने करा दिया है तो चलिए हम लोग आज पेज दस को हम लोग देखेंगे तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा आप सभी को बच्चों यहाँ पे तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि आप जो है अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इससे होगा यह कि जब भी आपके लिए कोई वीडियोज़ बनाया जाएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए करेगा तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का क्लास देखिए आज के इस क्लास में सबसे पहले आपको क्या किया गया बंडलों को गिनना सिखाया गया है ठीक है आपको यहाँ पर देखिए दस दस का यहाँ पर लिख दिया गया दस दस का कमाचियों के बंडल एवं खुली कमाचियाँ हैं यानी कुछ कमाची ये जो बंडल आपको दिखाई दे रहा है ना ये बंडल जो बंधा हुआ है ये दस दस का है कितना का है बच्चों दस दस का बंडल है ठीक है इसे आप ध्यान में रखिएगा ये बंडल कितने का है बच्चों दस दस का है ठीक है अब हम आपको बताते हैं कि करना क्या है आपको यहाँ पर देखिए आपको करना क्या है कि सबसे पहला आप देखिए यहाँ पर ये यह जो बंडल आपको दिखाई दे रहा है ये कितने का है बताइए बंधा हुआ है तो ये दस का है तो बंडल कै है एक बंडल है देखिए तो एक लिख दिया है यहाँ पर ठीक है इसके बाद आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे खुली यहाँ पे खुली के नीचे जीरो है यानी कि कोई भी खुली कमाची इस तरह से कोई भी खुली कमाची यहाँ पे नहीं है इसलिए जीरो लिखा गया है और टोटल संख्या कितना हो जाएगा आप बताइए आप हमें तो यहाँ पर जो बंडल है ये केवल एक ही बंडल है तो एक ही बंडल है तो वो भी दस का है कोई खुला नहीं है तो टोटल कमाची कितना हो गया दस हो गया ठीक है इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए यहाँ पर कितने बंडल है एक दो तीन चार पाँच पाँच बंडल है तो इसलिए बंडलों की संख्या पे यहाँ पर, पर पाँच लिखना है ठीक है इसके बाद खुली कमाचियाँ हैं एक भी एक भी खुली कमाचियाँ नहीं है इस तरह से देखिए ये खुला कमाची है इस तरह से यहाँ पे एक भी कमाची नहीं है इसलिए आपको यहाँ पर जीरो देना है अब आपको यहाँ पे देखना देखने वाली बात यह है कि यहाँ पर आप गिन लेंगे एक दो तीन चार पाँच टोटल कितना हो गया पाँच टोटल पाँच हो गया और आपके पास ये जो एक एक कमाची में कितने बंडल है दस बंडल है तो आप उसको दस का पहाड़ा पढ़ दीजिएगा पाँच बार तो दस पंछी कितना हो गया पचास यानी टोटल कमाची कितना हो गया पचास ठीक है बच्चों चलिए अब हमारा जो नेक्स्ट सवाल है नेक्स्ट लाइन में देखिए आपके पास टोटल बंडल कितना है एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ टोटल बंडल है आठ ठीक है अब यहाँ पे आपको करना क्या होगा टोटल है आठ ठीक है और एक बंडल में कितना है दस कमाची है तो दस अट्ठी कितना हो जाएगा अस्सी दस अठी कितना हो गया बच्चों अस्सी तो यहाँ पे बंडलों की संख्या आठ हो गई खुली कमाची देखिए कितना है खुली कमाची को जब आप गिनेंगे तो एक दो तीन चार पाँच पाँच को खुली कमाची है यहाँ पे तो आपको देखिएगा अस्सी यहाँ पे था और पाँच यहाँ पे हो गया टोटल मिला के कि कितना हो गया बच्चों पचासी ठीक है तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा है अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है हमारा कि एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ नौ बंडल हो गया तो नौ बंडल को हम लोग क्या लिख सकते हैं नौ दहिया नब्बे नौ बंडल को क्या लिख देंगे नौ दाही नब्बे यानी दस दस करके है या नहीं तो आप इस तरह से भी गिन सकते हैं आप देखिए दस बीस तीस चालीस पचास साठ सत्तर अस्सी नब्बे इस तरह से भी गिन सकते हैं और उसके बाद खुली कमाचियों की संख्या कितनी है यहाँ पर तो खुली कमाचियों की जो संख्या यहाँ पर है वो कितना है छः है कितना है छः है तो नब्बे और छः मिलाकर कितना हो गया छियानवे ठीक है बच्चों नेक्स्ट है हमारा इसको इस वाले को गिनी दस बीस तीस चालीस पचास साठ सत्तर अस्सी नब्बे नब्बे हो गया और खुली कमाचियों को जब आप इसे गिनेंगे तो ये नौ है तो नब्बे और नौ मिला के कितना हो गया निन्यानवे ठीक है अब देखिए यहाँ पर इस वाले लाइन्स में एक भी खुली कमाची नहीं है तो हम लोग टोटल गिनेंगे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस दस गो हो गया बंडल तो दस बंडल हो गया तो दस बंडल है और एक बंडल में दस गो है तो कितना हो गया एक सौ हो गया ठीक है ना और आप इस तरह से भी गिन सकते हैं दस बीस तीस चालीस पचास साठ सत्तर अस्सी नब्बे सौ इस तरह से भी आप गिन सकते हैं जिससे आपका सौ पुर जाएगा तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया है इस तरह से इसमें आपको कुछ बनाना नहीं था सिर्फ समझना था अब बनाने वाले जो सवाल है वो नीचे हैं चलिए हम लोग उसको बनाते हैं देखिए आपको इस सवाल को कहा गया है बनाने के लिए कैसे बनेगा चलिए बच्चों हम बताते हैं आपको करना क्या है यहाँ पे गिन करके लिखना है सबसे पहले आपको पता है कि ये जो बंडल्स आपको दिए गए हैं ये वाला जो बंडल दिया गया है कितने का है दस दस का बना हुआ है ठीक है तो आप यहाँ पे देखिए दस है ये बीस है ये तीस है ये चालीस है तो टोटल चालीस हो गया और तीन खुला हुआ है तो चालीस या तीन मिला के कितना हो गया बच्चों बताइए तैतालीस चालीस या तीन मिलाकर कितना हो गया तैतालीस यानी फोर्टी इसके बाद नेक्स्ट है हमारा दस बीस तीस चालीस पचास यानी कि पचास हो गया और यहाँ पे चार खुला है तो पचास और चार मिला के कितना हो जाएगा बच्चों चौवन ठीक है फिर से गिनिए दस बीस तीस चालीस पचास साठ साठ और दो मिला के कितना हो जाएगा बच्चों बासठ ठीक है फिर से गिनिए दस बीस तीस चालीस पचास अब यहाँ पे गिनिए कितना है एक दो, दो तीन चार पाँच छः तो पचास और छः मिला के कितना हो गया छप्पन ठीक है फिर से गिनिए दस बीस तीस चालीस पचास और फिर से गिनना है इसे एक दो तीन चार पाँच छः सात तो संतावन कितना हो गया बच्चों फिफ्टी सेवन नेक्स्ट है हमारा अब इसे जल्दी से आप नोट कर लेंगे इसके बाद हम नेक्स्ट बताते हैं चलिए नेक्स्ट है हमारा आप ये दोनों लाइन आपका बचा है इसको हम लोग करेंगे तो दस बीस तीस चालीस पचास यहाँ पे देख लीजिए एक दो तीन चार पाँच छः सात ठीक है तो पचास और सात मिला के कितना हो गया बच्चों संतावन ठीक है फिफ्टी सेवन इसके बाद है हमारा दस बीस तीस चालीस पचास साठ है यानी कि साठ हो गया और यहाँ पर बताइए कितना है तीन है तो साठ और तीन मिलाकर कितना हो गया बच्चों तिरसठ ठीक है बच्चों तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया है समझ में आ गया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में थैंक यू